आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। लखीमपुर की घटना पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख, कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करते हुए दोषियों के विरुद्ध होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने निभाया राजधर्म प्रथम, पहली बार गोरखपुर में आकर बगैर गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिए लखनऊ हुए रवाना। रविवार को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन के सभागार में बैठक कर जनपद के विकास कार्यों की समीक्षा। विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश, कहा कार्यों में विलंब कदापि क्षम्य नहीं। मनीष हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी सभी साक्ष्यों का कर रही है संकलन, घटना के सभी बिंदुओं की कर रही है समीक्षा। टीम के एडिशनल कमिश्नर ने कहा पूरी तरह से होगी निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच, शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जनपद के खानिमपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी नेटवर्क के पहले चरण का किया उद्घाटन, कहा अब सस्ते दर पर पाइपलाइन से होगी रसोई गैस की आपूर्ति, चोरी से भी मिलेगा निजात, 5 महिलाओं को पीएनजी के कनेक्शन के दिए प्रमाण पत्र। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होने के बाद जनपद में प्रथम आगमन पर किया गया भव्य स्वागत, कहा आरक्षण की लड़ाई रहेगी जारी, 2022 में प्रदेश में बनेगा दोबारा भाजपा सरकार। अब नए लुक में नजर आएगा श्री श्री रामलीला कमेटी बटघाट का मैदान। प्रदेश की योगी सरकार ने 4,87,00,000 की लागत से किया स्थल का जीर्णोद्धार। अध्यक्ष ने कहा 159 साल पुराना है रामलीला का इतिहास। पेश है गोरखपुर न्यूज के लिए हमारे संवाददाता पंकज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। गीता वाटिका के प्रांगण में श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की मनाई गई 139वीं जयंती, मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित किया गया श्रद्धाचिन सभा, समाधि स्थल की परिक्रमा कर दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने नित्यालीला लीन भाई जी के व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश। गोरखपुर में रविवार को नहीं मिला कोई नया कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 59,418। अब तक 849 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके अपनी जान, 13 हुए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। जनपद के 43 केंद्रों पर संपन्न हुई लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित स्टाफ नर्स व सिस्टर ग्रेड 2 की लिखित परीक्षा, पंजीकृत 20,155 अभ्यर्थियों में से 17,271 अभ्यर्थी हुए शामिल, जबकि 2,884 ने छोड़ी परीक्षा, सुचिता के रहे व्यापक प्रबंध। और हीमोफीलिया सोसाइटी की मासिक बैठक हुई संपन्न, हीमोफीलिया मरीजों को फैक्टर्स दिए जाने पर हुई चर्चा।